पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का बाजार एनएफओ से भरा पूरा है। म्यूचुअल फंड बाजार एनएफओ से भरा हो या स्टॉक मार्केट आईपीओ से भरा हो, इसका एक ही मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कंट्री के इकोनॉमी में है। और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे केनरा रवैको मल्टीकैप फंड की और देखेंगे क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इस परिस्थिति में या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट कि क्या मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, क्यों जरूरी है, और दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि क्या केनरा रोवेको मल्टी कैप फंड में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टैक्समिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। केनरा रोवेको मल्टीकैप फंड, ये फंड 7 जुलाई 2023 को ओपन हो चुका है और ये क्लोज होगा 31 जुलाई 2023 को। और इनके 21 जुलाई 2023 के क्लोज होने के बाद ये फिर रीओपन होगा ऑन 4 अगस्त 2023। इसका मतलब 22 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर्स को कन्फ्यूजन होता है कि जब वो इशू क्लोज हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे या सेकेंड डे ही वो चाहते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें और वो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो हमसे सवाल पूछते हैं कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे किया है। तो ध्यान रहे, इसके रीओपन होने का इंतजार करें, फिर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ही नहीं, और भी जो एनएफओज आए हैं उसमें भी यही प्रक्रिया लागू है। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। सेबी ने 2020 में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें ये कहा कि जो आपका एसेट एलोकेशन है उसमें से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों ही सेगमेंट का 25% ईच एलोकेशन जिस फंड में होगा उसको मल्टी कैप फंड कहेंगे। ये मिनिमम एलोकेशन है, अधिक कुछ भी हो सकता है। और मिनिमम के बाद जो 25% कुशन इनको बचता है ये फंड मैनेजर के विवेक पे डिपेंड करता है कि उसको वो लार्ज कैप में ऐड करें, मिड कैप में ऐड करें या स्मॉल कैप में ऐड करें या किसी डेट फंड में जाएं और या कहीं और इन्वेस्ट करें। ये इज द विजडम ऑफ द फंड मैनेजर। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो सिद्धत्ता भंडाल वरदार हैं और विशाल मिश्रा हैं। इन दोनों ही फंड मैनेजर्स ने साथ साथ केनरा रोवेको के कई सारे स्कीम्स को ऑपरेट किया हुआ है और इनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं हम लार्ज कैप में ही करें, मिड कैप में ही करें, स्मॉल कैप में करें, डिपेंडिंग बिकॉज सो मेनी पीपल से दैट लार्ज कैप में कम रिस्क, स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिस्क। जब मुझे पता है कि इसमें रिस्क कम या अधिक है उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला कारण है कि इंडिविजुअल सेगमेंट्स में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स। किसी सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा होगा इसको प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है और इस बात को हम देखेंगे। हमने यहां पिछले 17 साल मीन्स ईयर 2006 टू 2022 पिछले 17 साल का रिकॉर्ड हमने कंपाइल किया है और हमने देखा है कि निफ्टी 50 जो कि रिप्रेजेंट करता है लार्ज कैप को, निफ्टी मिड कैप 150 मिड कैप को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस 17 साल में से निफ्टी 50 ने 7 टाइम्स जो है इन तीनों सेगमेंट में से सबसे अधिक रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप 150 ने इन तीनों सेगमेंट में से ओनली 3 टाइम्स सबसे अधिक रिटर्न दिया और स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इन लास्ट 17 ईयर्स में केवल 7 साल इन तीनों सेगमेंट में से सबसे अधिक रिटर्न दिया। इसका मतलब कि लार्ज कैप और मिड कैप 7 टाइम्स सबसे अधिक, 7 टाइम्स सबसे कम, लेकिन मिड कैप ने केवल मैक्सिमम जो दिया 3 टाइम्स दिया और मिनिमम दिया 1 टाइम्स। इसका मतलब जो 13 ईयर्स इनका जो रिकॉर्ड रहा ये इन लार्ज कैप और मिड कैप के बीच का परफॉर्मेंस रहा। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये पिछले 17 साल का रिकॉर्ड है जिसमें देखा है कि निफ्टी 50 ने 7 टाइम्स सबसे अधिक रिटर्न अमॉन्ग
दिस थ्री सेगमेंट्स ओनली, और 8 टाइम्स सबसे खराब परफॉर्म ये मिनिमम दिया। उस हिसाब से स्मॉल कैप ने भी 7 ईयर्स सबसे अच्छा दिया और 8 ईयर्स सबसे खराब दिया। मिड कैप ने केवल 3 टाइम्स दिया अच्छा और 1 टाइम खराब दिया। इसका मतलब ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स का तो हिसाब किताब है, बाकी जो 13 साल और बचते हैं उसमें इन्होंने मिड कैप और सॉरी लार्ज कैप निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के बीच का रिटर्न दिया हुआ है। अब यदि बात करें हम निफ्टी 50 की, जो इन्होंने मैक्सिमम दिया है उसमें से 77.59% पिछले 17 साल में सबसे अधिक रिटर्न दिया है एक साल में। मिनिमम दिया है -55.18, नेगेटिव रिटर्न दिया है सबसे अधिक रिटर्न जो दिया है इन्होंने, और एवरेज जो इसका है इट कम्स टू 16.92%। यदि बात करें मिड कैप की तो हाईएस्ट रिटर्न इज द मैक्सिमम रिटर्न इज द 113.87%, मिनिमम इज द 64.84% एंड एवरेज इज 22.93। एंड अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप 117.37%, मिनिमम दिया है नेगेटिव -68.48 एंड एवरेज इज 23.4। अब यदि इसको हम एक साथ देखते हैं और हमें डिसाइड करना हो कि यदि मैं लार्ज कैप में जाऊं तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज मैक्सिमम 77 और मिनिमम जो है -55, इसका मतलब इट इज अराउंड 132-133% का फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। यदि यही बात है यदि यहां करें इट कम्स टू 177-178% के आसपास, और यदि हम स्मॉल कैप में आते हैं तो ये करीब 170 मिड कैप में आते हैं इट इज अराउंड 177-178%, और जब हम स्मॉल कैप में आते हैं इट इज अराउंड 185% के आसपास। तो अंडर दिस सिचुएशन यदि हमें ये सिलेक्ट करना चाहें, उसके बाद दोनों में गैप जो है मिड कैप स्मॉल कैप में एवरेज का रिटर्न तो कम गैप है, लेकिन यदि इसकी कंपेयर करें लार्ज गैप से तो ये काफ़ी अधिक गैप है। तो इस लिहाज से हमें ये डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि हमें लार्ज कैप में जाना चाहिए, और दो लार्ज कैप में कम रिस्क हैं लेकिन रिटर्न भी काफ़ी कम है। स्मॉल कैप या मिड कैप में जाएं तो रिस्क हमको काफ़ी अधिक दिख रहा है, बिकॉज जो वेरिएशन है जो गैप है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न इज द क्वाइट हाई। अब हम देखते हैं कि मल्टी कैप में, इसलिए एक तो कारण ये है कि मल्टी कैप में लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस है इसको प्रेडिक्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मल्टी कैप में सेबी सर्कुलर के हिसाब से मिनिमम 25% ईच इन ऑल लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट करते हैं। यदि उसको मैं इन्वेस्ट करता तो क्या होता, तो हम देखते हैं उस केस में हम देखते हैं कि इक्वल वेटेज 25-25-25 ईच इन लार्ज निफ्टी 50 मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 में यदि इन्वेस्ट करते तो हम मैक्सिमम रिटर्न हमारा 102.94 होता है। यदि इसका इक्वल वेट की बात यदि करें मिनिमम में आता -61.5 और एवरेज में आता 20.97। अब देखते हैं इसकी तुलना हम करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप से या निफ्टी मिड कैप से, तो हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंस है एवरेज का जो रिटर्न का डिफरेंस है इट इज अराउंड 2%। लेकिन यदि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी गैप यदि बातें करें तो स्मॉल कैप में देखते हैं इट इज अराउंड 185%, यहाँ 163% है। अब एक चीज और, जैसा मैंने बताया जो कि नॉर्मल कोर्स में मल्टी कैप फंड में होता है जो 25% का कुशन होता है, वो फंड मैनेजर कोशिश करते हैं कि उसको लार्ज कैप में हम ऐड कर दें। सो ये लार्ज कैप का कंपोजिशन 25-50% होता है। यदि ऐसा होता है जो नॉर्मल कोर्स में मल्टी कैप फंड में होता रहा है तो हम देखते हैं उस केस में मैक्सिमम रिटर्न कीपिंग इन व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिस थ्री बेंचमार्क इट कम्स टू 96.05%, मिनिमम रिटर्न इज 60-61% के आसपास और एवरेज रिटर्न इज अराउंड 90% के आसपास। इसका मतलब अब यदि इसकी कंपेरिजन यदि इसके साथ करें तो हम यहां देखते हैं कि द गैप बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज अराउंड 154% के आसपास, 156% के आसपास, और जो रिटर्न है रिटर्न करीब यहां 20% के आसपास है, यहां 23% के आसपास है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3%। सो यदि हम
मल्टी कैप फंड में आयदर 25-25 ईच और 50+25-25 ही या कुछ और कंपोजिशन हो इस तरह से, हमें लगता है कि वी कैन बाय इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड वी कैन बैलेंस द रिस्क एंड। अब हम बात करते हैं केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे है कि केनरा रोबेको एएमसी मोर देन 15 ईयर्स से रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस अक्रॉस द सेवरल इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स में दे रहा है। इसका मतलब ये पुराना एएमसी है और कई सारे इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इनमें एक एडवांटेज क्या है कि इनके फंड मैनेजर ने यह माना है कि हाइयर एक्सपोजर इन मिड एंड स्मॉल कैप, इसका मतलब जो 25% का जो कूपन जो कुशन है फंड मैनेजर के पास वो इंटेंडेड ने आयर टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड और स्मॉल कैप, और जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे उम्मीद की जाती है कि उसका रिटर्न जो हमने बताया उससे बेहतर आएगा, एवरेज जो मल्टी कैप का है उससे बेहतर आएगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ इसके साथ रिस्क भी अटैच है, जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ेगा उसके रिस्क भी उसी हिसाब से इसके बढ़ेंगे। तो ये देखना होगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड। और चूंकि केनरा रोबेको का कोई भी मल्टी कैप स्कीम था नहीं, इसलिए इनकी ये मजबूरी थी कि इनको लॉन्च करना ही करना था, और इनके जो फंड मैनेजर हैं दोनों ही फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जो देखते हैं करने के कारण, एक तो परफॉर्मेंस पिछले 15 साल का काफ़ी अच्छा है, दूसरा इनका हाई एक्सपोजर टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप है, इनका फंड मैनेजर जो है उनका गुड रिकॉर्ड है। अब बारी निर्णय लेने की, सबसे पहले ये देखें कि केनरा रोबेको म्यूचुअल केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड इज नॉट ए क्लोज एंडेड फंड, इट इज ओपन एंडेड फंड विच विल री ओपन ऑन 4 अगस्त 2023, 21 जुलाई के में जो बंद होगा, फिर ये 4 अगस्त 2023 को ये रीओपन होगा फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और ध्यान रहे कि ये एनएफओ है, इट इज़ नॉट आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में यदि आईपीओ बंद हुआ और जिस दिन लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, हो सकता है वो 2 गुना पे लिस्ट हो, 3 गुना पे लिस्ट हो, लेकिन जनाब ये एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है। यदि 10 रुपये पर बंद हुआ एनएवी तो ऐसा नहीं है कि वो 12 रुपये पर रीओपन के डेट में खुलेगा, वो 10 रुपये या 10 रुपये 01 पैसे 2 पैसे इसके हिसाब से ही खुलेगा। सो देर इज नो वाइड वेरिएशन जब ये बंद होता है, जब 10 पे मिलता है और उसके बाद जब रीओपन होता है। सो यदि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्या जरूरी है कि एनएफओ में ही इन्वेस्ट करना है, बिकॉज इट इज एनएफओ। जबकि मल्टी कैप फंड में कई सारे फंड्स बाजार में मौजूद हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो टाइम टेस्टेड हैं। यदि हमें मल्टी कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना हो तो व्हाई नॉट वी गो टू द ओल्ड ट्रस्टेड मल्टी कैप फंड जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन और यदि लगता है कि ये उससे बेहतर कर रहा है तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद यदि लगे कि ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वी मे इन्वेस्ट इन दिस फंड। नंबर 2, यदि आपको लगता है आपको एफेक्शंस है केनरा रोबेको एएमसीज तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें, लेकिन ध्यान रहे कि इन्वेस्ट करने में लमसम इन्वेस्ट नहीं करें, आप हमेशा सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड को ही अपनाएं, बिकॉज लमसम करने के बाद आपके हाथ में केवल विड्रॉ करने के अलावे और कोई उपाय नहीं होता है। और एसआईपी में हमें चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल स्मॉल अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, जब मुझे लगता है कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट वी कैन स्टॉप द वी कैन पॉज द एसआईपी जो कि लमसम के केस में अवेलेबल नहीं है। सो इन माय ओपिनियन वेट एंड वॉच, एंड इफ यू वांट टू यू आर इंटेंडेड टू इन्वेस्ट इन द केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, आप एसआईपी में जाएं, लमसम में न जाएं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका।